गांव है सर, बगुला के आसपास है। बगुला? हाँ बगुला, इधर बगुला, बगुला के आसपास है। मेरे को प्रॉपर यहाँ के गांव का वो बता दो क्या है ये। शाम नगर सर, हमारा गांव तो इधर नहीं है, थोड़ा सा उधर है। अगले दिन जब तफ्तीश होगी तो पुलिस को ये निर्देश देती है कि जब तफ्तीश करोगे तब ये हमारा बात को ध्यान में रखते हुए तफ्तीश करना चाहिए, क्योंकि हमें सारे मुद्दे को गुमराह करना चाहिए। इसलिए रोजाना ये लड़की की, जो मृतकों के परिवार की लोगों को, जो बेहद गरीब है, उन लोगों को थाना में बुलाए जाते हैं, तरह तरह की बहानाबाजी करते हैं, बहुत किस्म के इन लोगों को लोभ लुभावन कराते हैं। इन लोग इसलिए कराते हैं, कभी डर दिखाते हैं, कभी लुभापन करते हैं, इसलिए कि ये अपने जो बयान पेश करेंगी, इस बयान में आम लोगों को गुमराह करने में पुलिस वालों ने सक्षम रही, इसलिए ये बार बार इन लोगों को बुलाते हैं थाने में। बंगाल के मुख्यमंत्री, ये मैं बड़ा खुद शर्मिंदा महसूस करते हैं कि बंगाल के मुख्यमंत्री एक महिला होने के बावजूद किस तरीके की एक सामूहिक बलात्कार की, एक सामूहिक दुष्कर्म की जो मुद्दा सामने है, जिसके तहत एक बच्ची को मौत हो गई है, इस विषय को बंगाल के मुख्यमंत्री खुद इस खिलौने मुद्दे को तरह तरह की बयानबाजी पेश करते हुए आम लोगों को गुमराह करने की हर संभव कोशिश करते हैं। कभी कहते हैं कि दोनों में प्यार मोहब्बत थी, कभी कहते हैं प्रेग्नेंट थी, कभी कहते हैं कि जानबूझ के सारे कार्रवाई। अरे भाई, ये तो मानो कि ये मौत हुई है या नहीं, वजह क्या है तो तय करेगा पुलिस वालों ने, तुम क्या तय करोगे। कुछ दिन पहले जैसे कि बागतुई में गई थी, जाके कहने लगी ये घटना हमारे पार्टी के कोई नेता शायद जानकारी थे, या शायद पुलिस को नहीं कहे होंगे इसलिए उनको गिरफ्तार करा दे। तो ये क्या तब्दीश होने की पहले हिंदुस्तान की कोई राजा हो, क्या वजीर हो, कोई मंत्री हो, ये कोई कह सकते है कि भाई इसलिए मौत हुई है? कैसे हमारे मुख्यमंत्री की पता चली कि मौत हुई है? मौत के पहले किसी से मोहब्बत करते थे, किसी से वो मतलब संपर्क जानबूझ कर किए थे, किसी को प्रेगनेंसी बताती है। ये मतलब ये छोटापन की बात तो है ही है इसके साथ। मैं इसलिए बड़ा शर्मिंदगी महसूस करते हैं इसलिए कि एक महिला दूसरे बच्ची के खिलाफ इस तरीके की आरोप क्यों लगाती है, बिना तब्दीश, बिना जांच पड़ताल कैसे इस नतीजे में पहुंच चुकी है कि इस घटना के पीछे ये कारण है। कैसे? इसका मतलब ये है कि सारे मुद्दे को भटकने के लिए, सारे मुद्दे को आम लोगों की निगाहों से गुमराह करने के लिए अब हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मतलब जो धर्षक है, मतलब जो सामूहिक दुष्कर्म कर रही है, जो गुनाहगारों ने इस कारतूत किए हैं, इस तरीके की हीरो ने कारतूत किए हैं, उन सबको बचाने के लिए आप हर संभव कोशिश कर रही है, ये ममता बनर्जी आपके खिलाफ मेरा आरोप है। स्टेट के लिए 355 और 355 की मांग आप करेंगे?